हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ मसल ब्लेस के वर्कआउट कॉफी के बारे में। वर्कआउट कॉफी है ये मसल ब्लेस की। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने मसल ब्लेस के प्रोटीन ओट्स का रिव्यू करा था। अगर नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, देख लेना। तो उसमें मैंने बताया था कि जब मैंने क्रिएटिन मंगाया था तब मेरे को उसके साथ ओट्स और वर्कआउट कॉफी फ्री मिली थी। मैंने खुद मंगाई नहीं है, तो देखते हैं कि कैसी है ये, इसके अंदर क्या क्या है। वैसे खोल तो चुका हूँ मैं। ये आता है दो शैशे आएगा ये आपके लिए। फ्री आता है जब आप कोई भी मसल ब्लेस का प्रोडक्ट मंगाते हो उसके साथ ये फ्री आता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये दो शैशे फ्री आएंगे उसके साथ, मसल ब्लेस के कोई भी प्रोडक्ट के साथ आते हैं। और जान लेते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या, इसको कंज्यूम करना है कि नहीं, इसकी प्राइसिंग क्या है। तो इस प्रोडक्ट का नाम है मसल ब्लेस वर्कआउट कॉफी और वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो ग्रीन डॉट है इधर, ग्रीन डॉट मतलब वेजिटेरियन और रेड डॉट मतलब नॉन वेज। और इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, मतलब इसके फीचर्स क्या क्या है, ये है द अल्टीमेट केक एनहांस्ड स्ट्रेंथ लेयर शार्प फोकस। तो इसके अंदर जो मेजर इंग्रेडिएंट है मैं वो बताता हूँ आपको। तो इसके अंदर आपको मिलेगा कॉफी पाउडर, इसके अंदर कैफीन है, अश्वगंधा है, शंख पुष्पी है और ब्लैक टी लीफ एक्सट्रैक्ट है, ये इसके मेन है। और एक दो इंग्रेडिएंट और हैं, वैसे कोई उनकी जरूरत नहीं है। एक और है अश्वगंधा का, एक इसमें वेरिएंट है KSM 66, अश्वगंधा का एक टाइप होता है ये अच्छा वाला। और ये है मिक्सचर 80% कॉफी और 20% चिरॉय। और तो इसमें कुछ ऐसा मेजर है नहीं। वैसे तो ये नॉट फॉर सेल है, 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ है। और इसमें 3-4 चीजें भी और दी हैं, जैसे बताया है कि आप इसको जिम में कंज्यूम कर सकते हो, वर्कआउट से पहले, जुम्बा क्लासेस, डांस वगैरह से पहले, कार्डियो से पहले। तो देखते हैं इसका अगर एक नॉर्मल हिसाब निकालो तो मैंने निकाला था ये 14 रुपए का पड़ता है आपको एक पैक, 14 रुपए का एक पैक, देख रहे हो। और यहीं पे मेरे पास जो नेस्कैफे है जो मैं वैसे कंज्यूम करता हूँ तो ये आता है 2 रुपए का एक पैक। अब इनका अगर बात करें तो ये आता है 1.4 ग्राम का नेस्कैफे 2 रुपए का, और ये आता है 14 रुपए का 3.3 ग्राम, मतलब इससे 3 पाउच बराबर। अगर इसके 3 पाउच भी अपन कंज्यूम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रुपए का पड़ेगा अपने को 3 पाउच। और देखते हैं इसको अभी फाड़ के, देखते हैं इसकी स्मेल वगैरह अंतर है कैफी से, कॉफ़ी से कुछ, इसमें कैफी बोल रहा हूँ। तो देखो इसको बनाने का वही नॉर्मल तरीका जो आप नॉर्मल कॉफ़ी बनाते हो, आप इसको के तो पानी में कोल्ड या हॉट वाटर में कंज्यूम कर सकते हो या इसको मिल्क के साथ कंज्यूम कर सकते हो जैसे नॉर्मल कॉफ़ी करते हो। जितना मैंने अभी इसको पढ़ाया और इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च जो करा था वेबसाइट पर भी, तो इसलिए आप देखो ना कि ये आता है 14 रुपये का और जो हमारी नेस्कैफे कॉफी आती है 2 रुपए। पहली बात तो इसकी बहुत हाई ओवर प्राइस्ड है ये, और दूसरी बात इसकी कि इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले अश्वगंधा, शंख पुष्पी, ये ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो आपको वर्कआउट से पहले लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप वर्कआउट से पहले आपको कैफीन चाहिए होता है, मेन कैफीन और ऐसे मिक्सचर जो आपको हिट करे जल्दी से, इसलिए तो प्री वर्कआउट में कैफीन ज़्यादा रहता है। आपने कभी सुना है कि प्री वर्कआउट में शंख पुष्पी के अश्वगंधा डाला है? नहीं, क्योंकि होता नहीं है, वो कोई मतलब के नहीं रहते। और आप इस पे लिखा है कि मिल्क के साथ पियो, मिल्क के साथ कोई कॉफ़ी क्यों पिएगा वो भी वर्कआउट से पहले, जब इसका नाम ही वर्कआउट कॉफ़ी है और इसके पीछे भी लिखा है कि इसको मिल्क के साथ बनाओ। अगर मैं इसको मिल्क के साथ बनाऊंगा, मिल्क को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है नॉर्मल अगर आप इसको पानी के साथ पियो उससे, चलो वो एक अलग बात होगी कि आप इसको मिल्क के साथ बनाना चाहते हो कि पानी के साथ। पर एक तो बहुत हाई प्राइस है पहली बात ये मेरे लिए भी, और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि क्या 14 रुपए की एक कॉफ़ी एक टाइम के लिए, ये भी आप देख रहे हैं, और वही ये 2 रुपए का काम करती है। और अगर आप इसके 2 पैकेट भी लोगे तो आपको 4 रुपए का मैक्स टू मैक्स 5 रुपए का पड़ जाएगा, 5 रुपए का पड़ेगा और ये 14 रुपए का, इससे अच्छा हिट ये करेगी मुझे लगता है। अभी इसको देखते हैं कि इसकी स्पेल वगैरह कैसी है, आपको भी बताता हूँ मैं। तो अगर आपको दिख रहा हो तो ये एकदम फाइन पाउडर है, तो जैसे कि आपने देखा ये चाय पत्ती जैसा टेक्सचर कहूंगा मैं इसका, टेस्ट मैंने थोड़ा करा, मुझे नॉर्मल कॉफ़ी से भी घटिया लग रही है सच बताऊं तो। मैं नॉर्मल कॉफ़ी ड्राई खा सकता हूँ, अगर मैं जैसे कभी लेट हो जाता हूँ जिम के लिए तो मैं क्या करता हूँ, एक शैशे फाड़ा मैंने कॉफ़ी का, नेस्कैफे का, मैंने डायरेक्ट डाला मुँह में और पानी पी लिया ऊपर से, खत्म, ऐसे मैं कंज्यूम कर लेता हूँ। पर इसको मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसका एक तो वियर टेस्ट है और बहुत ज़्यादा अमाउंट है इसका कॉफ़ी का। अब देखते हैं इसको बना के दिखाता हूँ मैं आपको वीडियो में, कि इसका आप कंज्यूम करके भी दिखाऊंगा कि ऐसा क्या है इसके अंदर। चलो चलो चलो, तो ये अप्रॉक्स 150 ml है पानी, गर्म नहीं है, ल्यूक वॉर्म है, देख रहे हैं ये ऐसा कुछ दिखते कॉफ़ी। अब डालते हैं इसमें, देखते हैं फिर। देखते हैं इसको मिक्स करके, मिक्स तो अच्छे से हो गया वैसे। अब इसको पी के देखते हैं कैसा लगता है इसका टेस्ट। चलो चलो चलो, कैसा टेस्ट है इसका बताता हूँ आपको भी मैं। ये रही कॉफ़ी, इसका टेस्ट तो नॉर्मल कॉफ़ी से भी ख़राब लग रहा है।
तो जितनी भी हाइप है इस कॉफ़ी की, उतना ये मुझे नहीं लगा कि उतना ये खास है, पहली बात। और दूसरी बात, इतनी यूट्यूबरों ने जो हाइप बनाई, मैंने भी देखा था यूट्यूबरों को, जैसे साकित गोखले, यश आनंद और सिंघा, अगर आप जानते हो, ये इंडियन फिटनेस लाइन में बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मेरे अभी आइडल हैं, इनको ही देख के मैंने अपना चैनल चालू करा है। इनकी मैंने वीडियो देखी थी, उसके हिसाब से मुझे लगा था कि अच्छी होगी, पर नहीं। मैंने माना कॉफ़ी का टेस्ट थोड़ा अजीब होता है, पर इसका तो ज़्यादा ही अजीब है यार, ऐसा लग रहा है मैं कॉफ़ी के साथ जड़ी बूटी पी रहा हूँ। और हाँ, मैं एक और बात बताऊँ आपको कि हम अभी चल रहे हैं 450 के समथिंग अराउंड सब्सक्राइबर्स पे, तो जैसे ही 1K हम हिट करेंगे अपने चैनल पे, तो मैं एक Q&A वीडियो डालने वाला हूँ 1K के लिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी मेरे पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन है, डाउट के जवाब तो मैं देता हूँ कमेंट में। अगर आपको ऐसा कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे मेरे एज, मेरा नाम, ज़्यादातर तो मैंने बता दिया आपको, मेरी लाइफ स्टाइल, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, कुछ भी, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मैं सारे क्वेश्चन इकट्ठे करूंगा और जब मैं 1K हिट करूंगा तब मैं एक साथ उनका Q&A वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे आगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने वीडियो देखी और आपको समझ गया होगा कि ये कैसे बनती है और इसका कैसा दिखता है, मतलब कलर वगैरह, पर मैं इसको टेस्ट को अगर रेटिंग करूं तो मुझे ये टेस्ट लगा 2-3 out of 10। इसका टेस्ट बहुत ही बेकार है, उतना अच्छा नहीं है, ओवर प्राइस्ड है। अगर प्रोडक्ट को ओवरऑल रेट करूं मैं, तो मैं इसको दूंगा मुश्किल 3-4 star out of 10। वैसे मुझे मसल ब्लेस एक बहुत ही अच्छी कंपनी लगती है, उसके मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट मसल ब्लेस के यूज़ करता हूँ, पर मैंने जितने भी प्रोडक्ट अब तक कंज्यूम करे हैं उसके मुझे सबके टेस्ट अच्छे लगे, पर इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि फर्स्ट चीज, एक तो ये कंज्यूम वाला प्रोडक्ट है, आप इसको ऐसा नहीं है कि ये कोई टैबलेट के ऐसा कुछ समझ के मैं इसको डाइट निकल जाऊँ, नहीं, मैं इसको, मुझे टेस्ट आएगा अगर मैं पीऊँगा ऐसे तो। इसका टेस्ट कुछ ऐसा है जैसे कि आप कहते नहीं काढ़ा पी रहे हो, काढ़े जैसा टेस्ट है। मैंने इसको पिया, अभी भी मेरे गले में चुभ रहा है। अगर मैं नॉर्मल कॉफी पीता हूँ उसके बाद मैं अगर पानी पी लूँ ऊपर से, तो मुझे वो चुभन बंद हो जाती है। वैसे चुभता ही नहीं है, पर ये चुभ रहा है। वैसे मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही एवरेज प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही जो हाइप बनाई है यूट्यूबरों ने, उतना अच्छा नहीं है ये। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ऐसे ही रिव्यू आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो मुझे, वहाँ भी मैं रील अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो चलो, हो गया, अब क्या।